हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अपनी तरह का पहला विनिमय से जुड़ा हुआ सौर ऊर्जा पुरस्कार जीता है। बात करेंगे इस सौर पुरस्कार के बारे में और अडानी ग्रुप के बारे में, सो लेट्स स्टार्ट। यह पुरस्कार सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है। इस पुरस्कार के एक भाग के रूप में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGEL ने सौर परियोजनाओं के 8 गीगावाट को एक प्रतिबद्धता के साथ विकसित करने की बात की है, जो अडानी सोलर को अतिरिक्त सौर सेल और मॉड्यूल निर्माण क्षमता के 2 गीगावाट स्थापित करेगा। यह पुरस्कार दुनिया में अपने प्रकार का अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें $6 बिलियन का निवेश होगा और 4 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। यह प्रोजेक्ट अपने लाइफ टाइम में 900 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्प्लेस करेगा। इस पुरस्कार के साथ अब अडानी के पास संचालन निर्माण या अनुबंध के तहत 15 गीगावाट क्षमता होगी, जिससे ग्रुप 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय कंपनी बनने की दिशा की ओर बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अडानी का ऑफिशियल साइट है जिसमें लिखा हुआ है, अडानी ग्रीन एनर्जी विंस द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर अवार्ड, लीप फ्रॉग्स टूवर्ड्स गोल्स ऑफ 25 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2025। यह भारत में जलवायु परिवर्तन से जूझने के लिए दुनिया का नेतृत्व करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि आर्थिक विकास प्राथमिकताओं से स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, रोजगार सृजन के साथ साथ डीकार्बनलाइजेशन भी जरूरी है। अडानी ग्रुप के बारे में बता दूं आपको कि अडानी ग्रुप्स एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी स्थापना गौतम अडानी ने 1988 में की थी। इसके चेयरमैन गौतम अडानी हैं। ग्रुप्स के मेन बिजनेस में एनर्जी रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक, एग्री बिजनेस, रियल इस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस और एयरोस्पेस से संबंधित है। इस ग्रुप का एनुअल रेवेन्यू $13 बिलियन का है। इनका व्यवसाय 50 देशों में 70 स्थानों पर लगभग है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विकासकर्ता और 10 बंदरगाहों और टर्मिनलों वाला ऑपरेटर है, जिसमें मुंड्रा पोर्ट भी शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोलर पावर्स में अडानी ग्रुप के वर्क 2198 मेगावाट पे चल रहा है और 425 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन में है। विंड पावर में 397 मेगावाट ऑपरेटेड हैं। हाइब्रिड पावर में 1690 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन में है। कोरोना वायरस की इस महामारी में अडानी ग्रुप ने सरकारों की भी मदद की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अडानी ग्रुप ने PM केयर्स फंड में 100 करोड़ रुपए दिए हैं, गुजरात CM रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए, केरला CM रिलीफ फंड में 5 करोड़, ऐसे ही वेरियस डोनेशन इन्होंने किए हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। आई होप आपको यहाँ कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट।